दिग्रस तालुका पत्रकार संगठन के संयुक्त तत्वावधान में 30 मार्च यानी गुरुवार को श्री राम नवमी के मौके पर स्थानीय श्री राम मंदिर में सुंदर कांड ग्रंथ वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष पत्रकार अफजल खान की संकल्पना से साकार हुए इस कार्यक्रम के आयोजन में उनके युवा सहयोगी मित्र परिवार ने काफिले काबिले तारीफ योगदान दिया। राम मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में परिसर के भाविक बड़ी संख्या में शामिल होकर प्रसाद और सुंदरकांड पुस्तक वितरण का लाभ उठाते हुए दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक धर्मराज सोनू ने तहसीलदार सुधाकर राठौड़ सहित पत्रकार, समाज सेवी और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित थे। रामनवमी के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का पूर्व नगर अध्यक्ष अजिंक्य मात्रे ने स्वागत करते हुए इस पहल की प्रशंसा की। श्री राम नवमी निमित्त समस्त नागरिकांना शुभेच्छा देतो। आज सायंकाळी 4 वाजता श्री राम जन्मोत्सव समिति मार्फत भव्य शोभायात्रा काढण्यात येते। तसेच दिग्रस येथील श्री राम मंदिरामध्ये आताच आरती पूजन व प्रसादाचा कार्यक्रम आटोपलेला आहे। त्यासोबतच मुस्लिम शिवजयंती उत्सव समिति, छत्रपती विचार मंच आणि दिग्रस पत्रकार तालुका संघटना यांच्या वतीने हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक म्हणून आज सुंदरकांड याचे वाटप इथे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेले आहे। आणि त्या निमित्त मी एक नागरिक म्हणून या सर्व मुस्लिम शिवजयंती समितीचे तसेच छत्रपती विचार मंचाच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे इथे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय श्रीराम। कुल मिलाकर दिग्रस शहर अपने सामाजिक सद्भावना और एकता के लिए पहचाना जाता है। इसी पहचान को बरकरार रखते हुए रामनवमी के पावन पर्व पर मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति, छत्रपति शिवाजी महाराज विचार मंच और दिग्रस तहसील पत्रकार संगठन ने जो ये आयोजन किया है वो निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है। NBC न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।